जेल से रिहा होने के बाद संजय राउत बोले, मैं दिल्ली जाकर पीएम मोदी से मिलूंगा। फडणवीस को लेकर कही ये बात। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ख्याति पुष्करण और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। 3 महीने बाद बुधवार को जमानत मिलने और जेल से बाहर आने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने न्यायपालिका पर भरोसा जताया है। साथ ही उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी बयान दिया है। संजय राउत ने कहा कि वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी मिलेंगे। संजय राउत ने कहा कि ठीक है, कल के ऑर्डर से न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। संजय राउत ने कहा, मैं देवेंद्र फडणवीस से भी मिलूंगा। इस राज्य का नेतृत्व फडणवीस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, राज्य का होता है। इतना ही नहीं, उन्होंने दिल्ली जाकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने की बात कही। संजय राउत ने कहा, मैं दिल्ली जाकर पीएम और गृह मंत्री से भी मिलूंगा और अपने साथ हुए घटनाक्रम और यहां की स्थिति के बारे में बताऊंगा। संजय राउत ने कहा कि जिन लोगों ने ये साजिश रची थी, अगर उनको आनंद मिला होगा तो मैं इसमें उनका सहभागी हूँ। मेरे मन में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है। मैं पूरी व्यवस्था को या फिर किसी केंद्रीय एजेंसी को दोष नहीं दूंगा। महाराष्ट्र में नई सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ निर्णय अच्छे लिए हैं। मैं उनका स्वागत करूंगा। मैं आज उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिलूंगा। कुछ दिनों में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मिलूंगा, मुलाकात करूंगा। मैं दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी मिलूंगा। बता दें कि पीएमएलए कोर्ट ने बुधवार को शिवसेना के सांसद संजय राउत को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। शाम तक वे जेल से रिहा भी हो गए। जमानत मिलने के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने कहा, टाइगर वापस आ गया है। पत्रकारों से बात करते हुए शिवसेना की प्रवक्ता सुषमा अधारे ने कहा कि जब तक पार्टी के पास राउत जैसा नेता है, तब तक डरने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा, टाइगर वापस आ गया है। तो आपका इस पर क्या विचार है, हमें बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल ट्रिगर न्यूज। धन्यवाद।